बलूचिस्तान के बलूचों का भारत से नाता यूं ही खास नहीं है। बलूचों ने सदैव भारत को अपना प्यार और सम्मान दिया है। उन्होंने बलूचिस्तान के हिंदू परिवारों के रस्म और रिवाज और उनकी संस्कृति में कभी दखल नहीं दिया। जब पाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों से गैर इस्लामिक धार्मिक स्थलों के साथ भेदभाव वाले समाचार दुनिया भर में गूंज रहे हों, तब बलूचिस्तान में एक मंदिर ऐसा भी है जिसकी सुरक्षा वहां रहने वाले मुसलमान करते हैं। हालांकि ये पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान के वे बलोच हैं जिनकी बहादुरी का लोहा दुनिया मानती है। यह मंदिर है हिंगलाज माता का, जो दोनों समुदाय हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रचलित है। बड़ी बात यह है कि इस मंदिर के प्रति बलूचों और हिंदुओं में समान आस्था है। यहां धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर इस मंदिर की सुरक्षा बलोच मुस्लिम करते हैं। यह मंदिर एक पहाड़ी की छोटी सी प्राकृतिक गुफा में बना हुआ है। मंदिर में मिट्टी की वेदी पर देवी की प्राकृतिक छवि एक शिला के रूप में उभरी हुई है। यह मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लारी तहसील के पहाड़ी इलाके में एक सकरी घाटी में मौजूद है। दुर्गम रास्ता और सड़कें ऊबड़ खाबड़ होने के चलते कराची के उत्तर पश्चिम में मौजूद इस मंदिर तक पहुंचने में काफी मुश्किल आती है। कहा जाता है कि हिंगलाज देवी खत्री समुदाय की कुल देवी है, जिनकी भारत में आबादी करीब 1.5 लाख है। हर साल हजारों हिंदू और स्थानीय मुस्लिम जनजातियों के लोग माता के मंदिर पहुंचते हैं। इनमें भारतीय श्रद्धालु भी शामिल होते हैं। हालांकि इस साल पाकिस्तान के अड़ियल रवैये का असर इस यात्रा पर पड़ा है। भारत सरकार द्वारा कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने थार एक्सप्रेस के आवागमन को रोक दिया है। शारदीय नवरात्र में भारतीय श्रद्धालुओं का इसी थार एक्सप्रेस से आना जाना होता था। हिंगलाज गुफा जिस इलाके में है वहां 3 ज्वालामुखी है, जिन्हें श्रद्धालु गणेश, शिव और पार्वती के नाम से जानते हैं। हिंगलाज माता मंदिर पर स्थानीय बलोच और सिंध के लोगों की अटूट आस्था है। ये लोग इस स्थान को नानी का मंदिर के नाम से पुकारते हैं। देवी हिंगलाज को बीबी नानी के नाम से जाना जाता है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि बीबी नानी नाना के समकक्ष हो सकती है, जो कुषाण कालीन सिक्कों पर दिखाई देने वाले एक पूज्य देव थे। स्थानीय मुस्लिम जनजाति और श्रद्धालुओं में इस तीर्थ यात्रा को नानी का हज के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र स्थान पर भगवान श्री राम, प्रभु परशुराम के पिता जमदग्नि, गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव जी भी यहां पर आ चुके हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय माता दी।